बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें, ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको वज़न कम करने के बारे में बताऊंगी कि आपने वज़न किस तरह कम करना है अपना। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हमारा वज़न बहुत ज़्यादा है, तो वो जो है बैठे रहने की वजह से भी जो है वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने खाना खाया बैठ गए या खाना खाया सो गए, तो इससे जो है हमारा वज़न जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है नाज़रीन। तो आपने क्या करना है, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है कि आपका वज़न जो है वो कम हो जाए। और किसी के जो है वज़न बढ़ने की वजह से उनका जिस्म बहुत मोटा हो जाता है, तो वो परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे इस्तेमाल करें, क्या चीज़ें इस्तेमाल करें। तो दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, उससे जो है आपके जो है दूसरी बीमारियाँ लग जाती हैं, आपको नुकसानात हो जाते हैं और जो है आपकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं नाज़रीन। तो वज़न कम करने के साथ साथ जब आप दूसरी बीमारियों को जन्म ले लेते हैं तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कि आप बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करें उनमें जो है उन दवाइयों खाने से हमारा वज़न ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि ये दवाइयाँ जो हैं वज़न बढ़ाती हैं। इंग्लिश ये जो है वो वक्ती तौर पे आपको फौरन आराम करती हैं और आपको जो है दर्द कम हो जाता है, या आप समझ रहे होंगे हमारा वज़न कम हो रहा है, ऐसा नहीं होता। इससे जो है आपकी और बीमारियां लगती हैं, आप थोड़ी देर के लिए आपको सुकून मिल जाता है, मगर फिर जो है आप दोबारा उस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और दूसरी बीमारियाँ भी साथ हो जाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि हमें ये बीमारी लग सकती है। तो नाज़रीन, आपने जो है मैं आपको घरेलू चीज़ें बताती हूँ ताकि आपको इनका नुकसान ना हो। ये हमारे रोज़मर्रा खाने की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और इससे जो है आपके वज़न में कमी भी आती है और आपकी बीमारियों में कमी आती है। और इसके अलावा जो है आपको जो है ये जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको अगर फ़ायदा नहीं है तो आपको नुकसान भी नहीं देंगी ये चीज़ें, क्योंकि इससे ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और जो नाज़रीन, आपने ये चीज़ें किस तरह इस्तेमाल करनी है, ये आपका वज़न कैसे कम होगा और ये चीज़ें जो आपने क्या लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपने देखें सफ़ेद जो है ये धनिया सफ़ेद बिल्कुल हो, साफ़ सुथरा हो, इस तरह का जिस तरह मेरा नज़र आ रहा है धनिया। ये धनिया मिट्टी कलर का होता है नाज़रीन, गंदा धनिया होता है वो आपने नहीं लेना। इस तरह कलर का धनिया हो, अच्छा हो, आपने इसको साफ़ करना है अच्छी तरह और इसका आपने पाउडर बना लेना है। और उसके बाद नाज़रीन आपने क्या करना है, काला ज़ीरा, एक सफ़ेद ज़ीरा होता है वो आपने नहीं लेना, काला ज़ीरा जिसे हम काला ज़ीरी भी कहते हैं और इसको ज़ीरा भी कहते हैं, और आपने काला ज़ीरा ही लेना है। ये भी नाज़रीन आपको पंसार की दुकान से मिलेगा या आप जो अपना का सौदा सलफ आता है उसके अंदर भी ये आप काले सफ़ेद ज़ीरा लेते हैं, उसके साथ आप काला ज़ीरा भी ज़रूर लीजिएगा। ये भी अपने खाने में इस्तेमाल करा करें, इससे भी जो है आपका जब खाने के इस्तेमाल में ये रखेंगे चीज़ें तो आपका वज़न जो है कम होता चला जाएगा। खाने के साथ साथ जो आप इनके जो खाने में आप इस चीज़ें इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको खाने के साथ जो आपको तवानाई या आपको ताकत मिलती है उसके साथ आपका वज़न भी ये चीज़ें खाने से कम होता रहेगा। तो नाज़रीन आपने क्या करना है, दोनों चीज़ों को आपने 100-100 ग्राम ले लेना है। हम वज़न दोनों चीज़ें लेनी है, इनका दोनों का पाउडर बना लेना है, साफ़ सुथरा करना है। तो नाज़रीन मैं इसलिए कहती हूँ, अगर आप पिसी हुई चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं मगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो ये खाने की चीज़ें हैं। अगर आप इनको घर में ला के साबुत, जिस तरह ये मैं आपको दिखा रही हूँ साबुत चीज़ें नज़र आ रही हैं, अगर आप इन चीज़ों को साबुत ले लेंगे नाज़रीन तो खुद पाउडर बनाएंगे तो आपको इसमें कोई शक नहीं होगा कि ये चीज़ें जो है इसमें कोई ऐड की होगी चीज़ या इसमें पाउडर बना, तो पता नहीं लगता कि इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। तो हम खा लेते हैं तो हमें नुकसान होता है फ़ायदा की बजाय, क्योंकि हम चाहते हैं हमें फ़ायदा हो। तो अगर आप चाहती हैं कि आपको फ़ायदा हो तो आप ऐसा करें कि आप साबुत चीज़ें लाएं, अपने सामने आके पीसें। थोड़ी सी मेहनत, आपको हर घर में ग्राइंडर मौजूद है नाज़रीन, आप अपने घर में थोड़ी सी ये सफाई करें, इसमें पत्थर वगैरह जो है वो निकालें तो उसको साफ़ कतरे करें, छान फटक के जब आप इसको जो है पाउडर बनाएंगे तो आप मुतमिन होंगे कि हमने अपने घर में चीज़ें लाकर हमने साफ़ की और हमारी जो चीज़ें हैं साफ़ सुथरी हम खा रहे हैं। खाने की चीज़ें अपनी सफाई का ज़रूर ख्याल,
रखना चाहिए इंसान को अपने खाने, बहुत चीहने को साफ़ सुथरा रखें, उसमें चीज़ें जो है साफ़ सुथरी करके डब्बों में डाल के रखें, ताकि आपको जल्दी खाना पकाना है पेश आ हो तो आप जल्दी से उन चीज़ों को साफ़ की हुई होंगी, आप जल्दी इस्तेमाल कर लेंगे उन चीज़ों को। तो नाज़रीन आपने जो क्या करना है, इन चीज़ों को जब साफ़ करके बॉर्डर बना के अपना रखेंगे तो आपको खाने में आसानी रहेगी, और आपको बार बार जो है ये आपको पाउडर नहीं बनाना पड़ेगा। आपने जो 100-100 ग्राम आपने दोनों चीज़ों को लेना है और इनको आपने पाउडर बना के रख लेना है। हम वज़न लेनी है चीज़ें और फिर आपने कैसे खानी है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने रात को सोते वक्त गर्म पानी से, नीम गर्म पानी, जिस तरह ना ज़्यादा चाय की तरह गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा पानी हो, नीम गर्म पानी हो जो आप पी सकें, उससे आपने जो है एक चम्मच ये वाला आपने जो है इतना बड़ा चम्मच आपका होना चाहिए आपने भरना है। भर के आपने रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी से आपने एक चम्मच भर के खा के सो जाना है। जब आप खाना वगैरह खा के फारग हो जाएं और सोने लगें, उससे पहले आपने ये जो चम्मच भर के खाना है नीम गर्म पानी से, फिर आपने सो जाना है। और सुबह को नाज़िन जब आपने उठना है तो आप नाश्ते से पहले भी आप इसको एक चम्मच ले सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ है तो आप इसको निहार मुँह भी ले सकते हैं। जिनका वज़न कम है वो रात को सोते वक्त खा लें, कोई इशू नहीं है। रात को सोते वक्त वो वज़न जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो सुबह निहार मुँह भी लें, दो टाइम वो लोग लें। जिनका ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ है वो दो टाइम खाएँगे नीम गर्म पानी से ही, तो उनका जो है जल्दी से वेट जो है कम होना शुरू हो जाएगा। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही आपका वज़न जो है मामूल के मुताबिक आ जाएगा। और नाज़रीन इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी ताकीद करना चाहती हूँ, वो ये है कि आपने जो है पैदल ज़रूर वॉक करनी है। पैदल वॉक करने से आपकी बहुत सी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं और वॉक करने से जो आपका खाना हज़म होता है और आपका जो वेट है बहुत जल्द वॉक करने से कम होता है, क्योंकि इससे जो है हमारी चर्बी पिघलती है और हमारा पेट अंदर होता है और जो है हमारा वज़न कम होता है। अगर जब तक हम वॉक करेंगे हमारा पसीना निकलता है नाज़रीन, और पसीने के साथ साथ हमारी चर्बी पिघलती है। जब तक वॉक करते आपका पसीना ना निकले तो आप तो आपकी चर्बी जो है वो नहीं पिघलेगी, आपका जो है वो वेट भी कम नहीं होगा। आपने जो है अगर जितना आप चलते हैं उससे थोड़ा आपने तेज़ वॉक करनी है ताकि आपका पसीना निकले और आपका जो है चर्बी पिघलने शुरू हो। तकरीबन कम अज़ कम नाज़रीन आपने 1 घंटे तक आपने वॉक करनी है ताकि आपका वज़न जल्दी कम हो, और आपके 1 हफ्ते में इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे कि आपका कितना वज़न कम हो गया है। ये दवाई खाने से पहले आप अपना वज़न चेक करें, ये दवाई खाने के बाद अपना वज़न चेक करेंगे तो आपका बहुत सारा वज़न कम हो चुका होगा। तो इसके साथ ही नाज़रीन आपने बहुत सारा अपना ख्याल रखना है, और मैं इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। और मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपके जो भी मसले मसाइल है वो आप मुझे बताएं कमेंट्स में, मैं आपके मसलों का हल भी बताऊँगी। और मैं आपके जो भी टिप्स हैं जो भी आप मेरे देखते हैं उनको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा नाज़रीन ख्याल रखना, बाजी बिल्कुल इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।